subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon and click to all to get my latest videos and updates. Hey guys, welcome back to my channel Beauty and Knowledge. So guys, कैसे आप सब लोग? और आज मैं लेकर आई हूँ एक new video और आप देख सकते हैं video में कि आज हम बनाएंगे pizza. Guys, ये totally homemade, totally veg pizza है जो कि मैंने सारे घर पर ही बनाया है पूरा पिज्ज़ा और सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को अपने घर पर ही मिल जाएंगे. तो गाइस आप देख सकते हैं कि बेस भी ज़्यादा कड़क नहीं हुआ है और आप गाइस देखिए पिज्ज़ा देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है. गाइस आप लोग जानते हैं कि मार्केट में कितने ज़्यादा महंगा पिज्ज़ा मिलता है आजकल, स्पेशली वेज पिज्ज़ा. तो गाइस आप लोग अपने घर पर ही पिज्ज़ा बनाकर खा सकते हैं, वो भी एकदम टेस्टी. तो गाइस चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो गाइस मैं सबसे पहले ले लूंगी पिज्जा बेस. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है. आप लोग घर पर भी बेस बना सकते हैं लेकिन पिज्जा बेस रेडीमेड मिलता है 15 टू 20 रुपीज में. दो पिज्जा बेस मिलते हैं, उस पर मैं लगाऊंगी पिज्जा सॉस. अगर आप लोगों को मेरी खुद के घर के बनाई हुई पिज्जा सॉस की लिंक चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए. तो गाइस आप देख सकते हैं कि पिज्जा सॉस लगाने से हमारे पिज्जा की जान होती है वो, और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है इससे पिज्जा. अब नेक्स्टली पिज्जा सॉस के बाद मैं लूंगी वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में मैं लूंगी कैरेट्स, अनियंस, टमेटोज और कैप्सिकम, जैसे कि आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं. इन सबको मैं ऐसे लंबे लंबे में काट दूंगी. आप लोग चाहें तो जैसे नॉर्मली राउंड शेप में कट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं. आप लोग चाहें तो पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, पत्ता गोभी को भी कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं उसके ऊपर. नेक्स्ट मैं ले लूंगी अमूल का चीज बार. ये मैंने दो बेसिस लिए हैं पिज्जा बेसिस, तो मैं दो चीज क्यूब्स लेकर आई हूँ. आप लोग चाहें तो अमूल की जो लिक्विड चीज मिलती है वो भी ले सकते हैं, पर मैं प्रिफर करती हूँ अमूल का चीज बार खाना और यूज करना. इसे मैं कद्दूकस करके यूज करूंगी. अब नेक्स्टली मैं मेरे पिज्जा को एक पैन के अंदर डाल दूंगी और उसे मैं 25 से 30 मिनट तक कुक करूंगी और बीच बीच में चेक भी करूंगी कि कहीं ये बीच से पका है कि नहीं. तो गाइस आप लोगों को ऐसे पूरा ढक देना है पिज्जा को और आपका पिज्जा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा और आप इसे गरम गरम सर्व करके खा सकते हैं. आप लोगों की चीज भी मेल्ट हो जाएगी. तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा पिज्जा देखने में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल और टेस्टी लग रहा है. देखिए पूरी चीज मेल्ट हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको कद्दूकस करके डाला था. सारे वेजिटेबल्स भी पक चुके हैं क्योंकि ऊपर से लिड बंद रखना बिल्कुल मत भूलना. तो गाइस आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा ईजी है पिज्जा बनाना घर पर खुद का, और ये आधे घंटे में रेडी भी हो जाता है. तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा पिज्जा पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों को ये रेसिपी दिखाना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. एक कमेंट करके बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी. तो गाइस मैं आप लोगों को मिलती हूँ मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.